बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने लगे पक्सीनिया, स्पेशली पक्सीनिया ग्रैमिनस। तो पक्सीनिया ऐसा जीनस है बसीडियो माइकोटा का दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग द रस्ट डिजीज इन मोस्ट ऑफ द ग्रासेस। स्पेशली पक्सीनिया ग्रैमिनस रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ द रस्ट इन वीट प्लांट। तो जो पक्सीनिया ग्रैमिनस है, इट इज़ एन इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट। इंटरनल मीन्स लिव्स Inside the host body, obligate means cannot live without their host, और heterocious parasite है ये। heterocious से मुराद है ये अपना life cycle जो है two host पर complete करता है, इसी वजह से इसे हमने कहा है heterocious। और दो host को हमने categorize किया है ऐसे कि one of them is the primary host, that is the wheat, and other one is the secondary host, that is the barberry plant। ये बारबरी के लीव्स पर हमें पक्सीनिया ग्रैमिनस जो है उसके एशियो सोराई नज़र आ रहे हैं कि जिसमें एसिडियो स्पोर्स जो हैं ये एशियो स्पोर्स बनते हैं। तो ये ब्राउन स्पॉट्स की सूरत में फंगस जो है वो इस पर डेवलप कर गई थी। ये जो पक्सीनिया ग्रैमिनस है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मैक्रोसाइक्लिक रस्ट। मैक्रोसाइक्लिक रस्ट मीन्स कि इसमें पूरे लाइफ साइकिल में फाइव डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। एज फॉर एज देयर प्लांट बॉडी इज कंसर्न्ड, तो प्लांट बॉडी जो है या इनका माइसीलियम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेप्टेट हाइफी। और ये जो सेप्टेट हाइफी हैं दे आर इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मीन्स ये वीट के या बारबरी प्लांट के सेल्स हैं, तो सेल्स के दरमियान में हाइफी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनके हाइफी जो हैं वो डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड और तरह के हाइफी दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड मटेरियल फ्रॉम द सेल्स, के सेल्स के अंदर कुछ ब्राइड हाइफी गए हुए होते हैं जिनका काम है फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करना। दीज आर नोन एज द हस्टोरिया। और इनके माइसीलिया भी टू टाइप्स के हैं, वन ऑफ देम इज़ द मोनोकैरियोटिक एंड अदर वन इज़ द डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक ऐसे माइसीलिया हैं जो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, जबकि डाइकैरियोटिक बाइन्यूक्लिएट होते हैं। तो यूजुअली डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है दैट इज प्रेजेंट ऑन द वीट, वेयर एज मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है उसकी सूरत में ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं ऑन द बारबरी प्लांट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया ग्रैमिनस। लाइफ साइकिल हम जो स्टार्ट करने लगे हैं वो कि ये इन्फेक्ट करते हैं जब वीट को, और वीट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है कि बारबरी प्लांट पर बन गए एशियोस्पोर्स। ये जो एशियोस्पोर्स होते हैं ये डाइकैरियोटिक होते हैं, हर एक यूनिसेल्यूलर हैं और दो दो न्यूक्लियस हैं, डाइकैरियोटिक हैं। अब ये जो डाइकैरियोटिक एशियोस्पोर्स हैं ये बारबरी प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाते, तो ये इन्फेक्ट करते हैं वीट प्लांट को और जर्मिनेट करते हैं वीट प्लांट के लीफ पर और उनके स्टोमाटा के थ्रू अंदर दाखिल हो जाते हैं उसकी एपिडर्मस में, जैसा हमने इस डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट किया है कि ये एक डाइकैरियोटिक एशियोस्पोर था जो जर्मिनेट हुआ थ्रू द जर्मिनेशन ट्यूब, और ये जो जर्म ट्यूब था इसका वो एंड से हुआ स्वेल अप। तो एंड जो स्वोलन अप पोर्शन है दैट इज नोन एज द एप्रिसोरियम। एप्रिसोरियम का मतलब ये होता है टू प्रेस अगेंस्ट, और इस एप्रिसोरियम ने बनाई बीक और उस बीक के थ्रू ये एंटर हो जाता है इनटू द सेल, इनटू द लीफ, और गार्ड सेल से गुजर के लीफ के अंदर जाके ये सब स्टोमेटल वेजिकल में डिवेल्प होता है, जहाँ से इसका माइसीलियम फिर डिवेल्प हो जाता है लीफ के सारी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में, और वो हास्टोरिया भेजते हैं सेल्स के अंदर और फूड मटेरियल एब्सॉर्ब करते रहते हैं। तो लीफ को इन्फेक्ट कर दिया वीट के, और एक दो वीक्स गुजरे तो हमने देखा कि लीफ जो था वीट का, लीफ या स्टेम या गलियूम्स या ऑन ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर या कहीं कहीं जो है वो ब्राउन रस्टी स्पोर्स या स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये जो ब्राउन रस्टी स्पोर्स होते हैं ये इन द फॉर्म ऑफ पॉस्ट्यूल्स जो हैं या लियंस की फॉर्म में जो होस्ट वीट पर बन गए हैं, ये असल में हैं एक तरह के सोराई, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। उन सोराई को हम कहते हैं यूरिडोसोराई, और ये बनते हैं एपिडर्मस के नीचे और एपिडर्मस को करते हैं बस्ट ओपन।
तो बाहर निकल आते हैं। तो हर एक यूरिडोसोराई जो अभी हमने कहा कि वो होते हैं रस्ट लाइक, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं रस्ट ऑफ वीट। ये यूरिडोसोराई जो हैं ये हाइफी प्रोड्यूस करते हैं अपराइट, जिन्हें कहते हैं यूरिडीनिया, और यूरिडीनिया के एंड पर बनते हैं यूरिडोस्पोर्स या यूरिडीनियोस्पोर्स। हर एक यूरिडोस्पोर जो है वो होता है बाई न्यूक्लिएट, दो दो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जिसकी थिक वॉल होती है। और ये जो थिक वॉल स्पोर्स हैं यूरिडोस्पोर्स, ये री इन्फेक्ट करते हैं वीट को, नए प्लांट पर जाके गिरते हैं और उनके स्टोमेटा के थ्रू अंदर दाखिल होते हैं जर्मिनेट करने के बाद, और ये री इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, वीट प्लांट को, ऐसे के जर्मिनेट करते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब्स, और जर्म ट्यूब्स जो हैं वो एंटर होती हैं स्टोमाटा के थ्रू। तो सारा सीज़न ये काम चलता ही रहता है उस वक्त तक जब तक के ग्रोइंग सीज़न एंड ना होना शुरू हो जाए। तो अभी तक हमने दो तरह के स्पोर्स जो हैं वो इसमें डिस्कस किए, एक ये एशियो स्पोर्स और दूसरे यूरिडो स्पोर्स। थर्ड काइंड के स्पोर जो पक्सिनिया ग्रैमिनस फॉर्म करती है दैट आर द टीलियोस्पोर्स। जो ही ग्रोइंग सीजन वीट का एंड होने लगता है यानी कि अप्रैल आ जाता है, तो अप्रैल में वही सोराई जो थोड़ी देर पहले तक रस्ट लाइक थे, ब्राउन थे, वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो ब्लैक असल में एक और तरह के सोराई बन गए दैट आर कॉल्ड एज द टीलियोसोराई। इनके अंदर ब्लैक टीलियोस्पोर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, और हर एक स्पोर जो हैं वो होते हैं बाईसेल्ड और बाई न्यूक्लिएट, थिक स्मूथ इनकी वॉल होती है, और दोनों एंड से यूजुअली ये होते हैं टेपर, जैसे ये हमें नज़र आते हैं। और ये टीलियोस्पोर्स भी एपिडर्मस को करते हैं रप्चर, और रप्चर होने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। अब ये टीलियोस्पोर्स ऐसी कंडीशन है जिसमें ये वीट जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन बियर कर लेती है या ओवर विंटरिंग कर लेती है। ओवर विंटरिंग के बाद टीलियोस्पोर्स में हर एक सेल में होती है कैरियोगैमी, तो इस सेल के दोनों न्यूक्लियस भी फ्यूज करके एक डिप्लॉइड सेल बना देते हैं, और नीचे वाला जो था सेल टीलियोस्पोर का दूसरा सेल, इस सेल में भी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना देते हैं। तो टीलियोस्पोर जो हैं उनमें कैरियोगैमी के बाद यूजुअली होती है मियोसिस, उस मियोसिस के नतीजे में ज़ाहिर बनेंगे फोर न्यूक्लियाई। हर एक टीलियोस्पोर जर्मिनेट करता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब, जैसा हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो इस ऊपर वाले का जर्म पोर तो ऊपर वाली साइड था जहाँ से जर्म ट्यूब जो है वो जर्मिनेट की, और नीचे वाले का होता है लेटरल पोर जिसके थ्रू ये जर्मिनेट करता है और बनाता है प्रोमाइसीलियम। इस प्रोमाइसीलियम में ये जो चार हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं इनमें होता है सेप्टम फॉर्मेशन, के चारों में चार सेप्टा बनते हैं, तो चार सेल में डिवाइड हो जाता है ये, और हर एक सेल से निकलती है एक एक आउटग्रोथ। उस आउटग्रोथ को कहते हैं ये से हमारा बेसिडियम था, इसमें से एक आउटग्रोथ निकल आई, दूसरी तीसरी चौथी आउटग्रोथ ऐसे निकल आई, और हर एक आउटग्रोथ में इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेट कर गया, और हैप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेशन के बाद इस आउटग्रोथ में एक और आउटग्रोथ निकली जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर से कट ऑफ हो जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम, और न्यूक्लियस इनके अंदर माइग्रेट कर जाते हैं, जिससे इस प्रोमाइसीलियम के ऊपर या इस बेसिडियम के ऊपर चार ये पहले बनते हैं स्ट्रिगमेटा, और हर स्ट्रिगमेटा के ऊपर एक एक बेसिडियोस्पोर बन जाता है जो कि होते हैं हैप्लॉइड। अब ये जो चार हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स हैं ये चूंकि मोनोकैरियोटिक होने की वजह से इन्फेक्ट नहीं कर पाते वीट प्लांट को, तो इन्हें जर्मिनेशन के लिए या तो ये जर्मिनेट करते हैं सॉयल पर, या फिर जर्मिनेट करते हैं ये ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट जिसका नाम है बारबरी प्लांट या सेकेंडरी होस्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये बन गए फोर्थ टाइप के स्पोर्स बेसिडियोस्पोर्स। तो जो दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के बेसिडियोस्पोर्स जो हैं बारबरी प्लांट के एक ही लीफ पर गिर गए, तो हर एक बेसिडियोस्पोर चूके होता है हैप्लॉइड और यूनिन्यूक्लिएट। ये हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर
ये एपिडर्मस के ऊपर गिर गया और जर्मिनेट किया जर्म ट्यूब के थ्रू और डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाती है जर्म ट्यूब जो है एपिडर्मस के थ्रू इनसाइड द बारबरी प्लांट्स लीफ, जहां पर एक तरफ एक स्ट्रेन वाला से प्लस स्ट्रेन वाले गिर गए और उसी लीफ पर एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला भी जर्मिनेट किया जा रहा है। तो दोनों जर्मिनेट करके बनाते हैं यहाँ पर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर कहलाता है पिकनीडियम, जैसे यहाँ ये हमने रिप्रेजेंट किया है पिकनीडियम। तो हर एक जो पिकनीडियम है वो प्रोड्यूस करता है दो तरह के सेल्स या दो तरह के हाइफी। वन ऑफ देम इज द रिसेप्टिव हाइफा जो के इलोंगेट होते हैं, बाहर निकल आते हैं इस पिकनीडियम से थ्रू अ स्पेशल ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्टियोल, और ब्रांच भी होते हैं ये काफी टाइप नंबर ऑफ टाइम्स। और ये रिसेप्टिव हाइफा एक्ट करते हैं एज द फीमेल गैमीट, जबकि एक और तरह के ये प्रोड्यूस करता है हाइफी जो एंड से कट ऑफ होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हैप्लोइड स्पोर्स या पिकनीडियो स्पोर्स जो के हैं फिफ्थ टाइप के स्पोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें से, जिन्हें कहते हैं स्पर्मेशिया या पिकनीडियोस्पोर। ये स्पर्मेशिया या पिकनीडियोस्पोर्स जो हैं एक्ट करते हैं एज अ मेल गैमीट। तो सम केसेस हो सकता है इंसेक्ट्स के थ्रू के इंसेक्ट्स जो हैं वो इन स्पर्मेशिया को इन रिसेप्टिव हाइफा तक ले जाएं और स्पर्मेशियम का न्यूक्लियस जो है और रिसेप्टिव हाइफा का न्यूक्लियस जो है इन दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज करे और फ्यूजन के बाद एक डाइकैरियोटिक सेल बना दे। तो इस तरह से इनमें डाइकैरियोटाइजेशन हो जाती है कि स्पर्मेशिया जो हैं वो जब प्लाज्मोकेमी करते हैं रिसेप्टिव हाइफा के साथ। तो ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है इसके नतीजे में दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो न्यूक्लिया एक दूसरे के साथ फ्यूज किए हैं तो इनके नतीजे में नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनते हैं। वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो हैं वो इसके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। ये जो डाइकैरियोटिक सेल्स हैं ये मूव करते हैं टूवर्ड्स द लोअर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस की तरफ मूव करते हुए ये बनाते हैं नीचे एक इलोंगेटेड सेल दैट इज कॉल्ड एज द बेसल सेल। तो ये जो डाइकैरियोटिक बेसल सेल हैं ये इलोंगेट होते हैं और इलोंगेट होके अपने ऊपर कट ऑफ करते हैं डाइकैरियोटिक सेल्स ही, जिन्हें कहते हैं एसिडियल या एसिडियोस्पोर मदर सेल्स। ये जो एसिडियोस्पोर मदर सेल्स हैं ये अपने ऊपर चेन्स ऑफ सेल्स बनाते हैं और वो जो चेन्स ऑफ सेल्स हैं सारे वो कहलाते हैं एसिडियोस्पोर्स या एशियोस्पोर्स। और ये सारे बनते हैं एक इस कप लाइक स्ट्रक्चर में, दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एसिडियम। तो एसिडियोस्पोर्स जो हैं ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल जो है। तो एसिडियोस्पोर्स जो कि डाइकैरियोटिक होते हैं ये डाइकैरियोटिक एसिडियोस्पोर्स जो हैं दोबारा बारबरी को तो इन्फेक्ट नहीं कर पाते तो ये फिर इन्फेक्ट करते हैं अगेन वीट को और लाइफ साइकिल जो है उसे रखते हैं कंटिन्यू। तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया जिसमें फाइव डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्स बनते हैं, एक एशियोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स, टीलियोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और पिकनियोस्पोर्स। इसी वजह से इसका नाम है मैक्रोसाइक्लिक रस्ट।